दौंड मनमाड लोहमार्गावरती श्रीगोंदा रेल्वे स्टेशनजवळ सोलापूरहून नगरकडे सिमेंट घेऊन जाणाऱ्या मालगाडीचे बुधवारी रात्री 12:05 सुमारास 42 पैकी 12 डबे घसरल्यानं दौंड मनमाड मार्गावरती रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली होती। रेल्वेच्या सोलापूर विभागाच्या शैलेशा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वे आपत्ती व्यवस्थापन टीमनं लोहमार्ग दुरुस्तीचं काम युद्धपातळीवरती केलं होतं, त्यामुळे बुधवारी मध्यरात्री वाहतूक पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे। बुधवारी रात्री 12:05 रेल्वे स्टेशन पासून 2 किलोमीटर अंतरावरती म्हातार पिंपरी श्रीगोंदा शिवारात सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे डबे घसरले। हा अपघात का झाला यावरती रेल्वेने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलं नाहीये। ही मालगाडी सोलापूर दौंड मार्गे नगरकडे चालली होती, दौंड रेल्वे स्टेशन पास केलं आणि हा अपघात झाला। या अपघातात सुदैवाने जीवितहानी झाली नसून मात्र रेल्वेची आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे। दरम्यान दौंड मनमाड लोहमार्गावरील प्रवासी वाहतूक करणारे उत्तर भारतातून येणाऱ्या एक्सप्रेस मनमाड मार्गे मुंबईकडे तर दक्षिण भारतातून येणाऱ्या एक्सप्रेस कुरुडवाडी मार्गे वळवण्यात आल्या असून एकही प्रवासी रेल्वे रद्द करण्यात आली नसल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलं। ट्रेन सुबह करीब 12:05 के आसपास 12:10 पे हमें सूचना मिली थी कि ये ट्रेन डिले हुई है और ये सीमेंट लोडेड ट्रेन थी जो अहमदनगर तक इसको जाना था और टोटल 12 डब्बे इस गाड़ी के डिले हुए। हमारा अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और मोस्ट लाइकली हम रात तक आज रात तक गाड़ियां शुरू कर पाएंगे। ट्रैक रेस्टोरेशन हो जाएगा हमारा। इस रूट के जो रेल थी वो कहाँ से ले रहे हैं? इस रूट की कुछ रेल जैसे कुछ थी जो वाडी से दौंड होके फिर मनमाड़ आती थी तो उनको वाडी से सीधे नागपुर होते हुए भेजा जा रहा है कुछ ट्रेन को, और कुछ ट्रेन को वाडी से फिर दौंड या फिर दौंड से पुणे होते हुए आगे भेजा जा रहा है नासिक होते हुए। तो ये दो रूट किए गए जिससे सारी ट्रेन उधर से जा रही है। पैसेंजर कुछ ट्रेन कैंसिल हो गए उस वजह से? नहीं, अभी तक कोई कैंसिल नहीं की हुई है और हम उम्मीद करते हैं कैंसिलेशन ना करना पड़े हमें। डिलेड होंगी कुछ ट्रेन और टाइम्स हो जाएगा तो ऐसी कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। इस पर कोई इंजर्ड है? इंजरीज हुई है, गुड्स ट्रेन थी ये, कोई इंजरीज नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो गए कुछ आप पता नहीं? वो अभी पूरा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, हमें काफ़ी तकनीकी बारीकियाँ इसकी देखनी पड़ेंगी और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या एग्जैक्ट रीजन। प्रतिनिधि मुस्ताक पठान, न्यूज़ टुडे 24, श्रीगोंदा।